कला प्रीति द एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए। और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही क्यूट सी ड्रेस लेके आई हूँ। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। ड्रेस जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। मिरर वर्क से मैंने इसको डेकोरेट किया है और यहाँ पे नग से मैंने डेकोरेट किया है। चोली की फ्रंट साइड ये होगी, चोली को भी डेकोरेट किया है, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है और कलर्स भी बहुत ही ज्यादा खिल के आए हैं। तो ये देखिए, ये जो ड्रेस है 01 या 02 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए है, क्योंकि ये शॉर्ट ड्रेस है, छोटी सी है मतलब की। और अगर आप बड़े नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आपको ये शॉर्ट ड्रेस बनानी होगी, ताकि उनके लिए भी इतना घेरा जो है सफिशियंट रहे। तो ड्रेस जो है बहुत ही ज्यादा इजी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, तो आप आराम से ये ड्रेस जो है बना पाएंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं सुंदर सुंदर ड्रेसेस अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इस तरह से चोली बनानी है, तो ये मैंने यहाँ पे 1 नंबर की चोली बना ली है। ये ड्रेस जो है छोटी साइज की ही है, 01 या 02 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये चोली की वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आपको सारे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए चोली मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, ये चोली के दोनों पार्ट्स को कैसे स्टिच किया जाएगा, स्लिप स्टिच की हेल्प से इनको यहाँ पे किया जाता है, तो वो भी मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ है। हम अपना काम जो है अभी सेंटर से ही करेंगे। जनरली मैं अपना काम जो है आर्म होल की तरफ से करती हूँ, अभी हमें सेंटर से ही कर लेंगे, क्योंकि हमें एक ही राउंड निकालना है इस कलर से, तो हम अपना राउंड जो है सेंटर से स्टार्ट करेंगे। पर मैं अभी आपको बताऊंगी कि मेरे चोली की वीडियोज की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर आप कैसे जाएंगे। तो चोली बनाने के लिए प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उधर मेरा चैनल का नाम है कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर, आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो आपके पास ये देखिए ऊपर जो है होम वीडियोस प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट आ गई, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, ये देखिए, हाउ टू क्रोशे चोली फॉर लड्डू गोपाल, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी नंबर के लड्डू गोपाल जी आप उस चोली पे जाएंगे। जैसे कि 0 नंबर 5 नंबर 1 नंबर, मैंने यहाँ पे सारी चोली जो है बता रखी सारे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अगर आपके 5 नंबर के है तो आप 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली के लिए जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप चोली बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, घेरे की तरफ प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट राउंड कैसे करेंगे, पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये 3 चेन जो है डबल क्रोशे की हाइट की होती है और इसको हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब नेक्स्ट चेन में मैं एक डबल क्रोशिया डालूंगी, नेक्स्ट चेन में ये एक डबल क्रोशिया डाल दिया है। अभी मैं फिर से आपको बता दूंगी कि डबल क्रोशिया कैसे डलता है। तो आप देखिए, 2 डबल क्रोशिया ये हमारे हो गए हैं अलग अलग चेन में। अब हम एक चेन लेंगे, अब नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ डबल क्रोशिया कैसे डलता है। क्रोशोक में एक फंदा है, 2 फंदे करेंगे, नेक्स्ट चेन में क्रोशोक डालूंगी, धागे को निकालूंगी, ये 3 फंदे हो गए हैं। शुरू के 2 फंदों को धागों की हेल्प से एक कर देंगे, फिर से 2 फंदों को धागे की हेल्प से एक कर देंगे, तो ये हमारा डबल क्रोशिया होता है। नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया डालेंगे, तो हर 2 डबल क्रोशिया डालने के बाद हम एक चेन लेंगे, तो यहां पे हम एक चेन ले लेंगे, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया डालेंगे, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया डालेंगे और अब एक चेन ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया डालेंगे, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया डालेंगे और उसके बाद एक चेन ले लेंगे। तो इस तरह से राउंड जो है कंप्लीट करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं वर्क के एंड में हो गई हूँ, राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब मैं एक चेन लूंगी और अब मुझे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन देखिए कैसे करेंगे, पहला डबल क्रोशिया जो था 3 चेन से बनाया था, उसकी थर्ड वाली चेन में मतलब टॉप चेन में हम क्रोशोक डालेंगे, धागे को निकालेंगे और सीधा इसमें से भी निकाल देंगे। तो स्लिप स्टिच से हमने इसको ज्वाइन कर दिया और ये राउंड जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं धागे को कट कर लूंगी और एक चेन लेके नोट लगा दूंगी। तो इस तरह से देखिए फर्स्ट राउंड जो है हमारा घेरे का कंप्लीट हो गया है। अब मैं व्हाइट कलर की ऊन लूंगी, इससे हमें काम करना है।
फ्रेंड्स हम सेकंड राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे, तो हम देखिए आर्म होल की तरफ से प्रोसीड करेंगे, मतलब कॉर्नर से प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एक चेन की वजह से गैप है, उस गैप में हम काम करेंगे। तो ये देखिए गैप में मैं इस तरह से धागे को ऐड करूंगी, मैंने कोई चेन में नहीं किया है, गैप में किया है। अब मुझे यहां पे 5 डबल क्रोशिया डालने हैं, तो पहला डबल क्रोशिया तो 3 चेन से बनेगा, ये हम एक डबल क्रोशिया ही काउंट करते हैं, और ये डबल क्रोशिया का हाइट का होता है। जब भी हम राउंड स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसे ही 3 चेन लेके करते हैं। अब एक डबल क्रोशिया हो गया, सेम जगह पे ही मुझे डबल क्रोशिया 4 और डालने हैं, तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो देखिए दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। ध्यान रखिएगा मैं चेन में काम नहीं कर रही हूं, मैं यहां पे गैप में काम कर रही हूं। 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं और ये 5वां डबल क्रोशिया हो गया है। अब क्रोशिया और धागे से निकाल लूंगी, और यहां पे देखिए जो पहला डबल क्रोशिया है उसकी 3rd चेन में मैं यहां पे इस तरह से क्रोशिया डाला और इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी, इसमें से निकाला और अब एक चेन ले लूंगी। तो ये एक हमारा पफ स्टिच बन जाएगा। अब मुझे 3 चेन और लेनी है, 1, 2, 3, 3 चेन मैंने ले ली है। अब देखिए मुझे यहां पे बैक पोस्ट बनाना है, तो कैसे करेंगे? यहां पे देखिए जो डबल क्रोशिया है नीचे, 2 डबल क्रोशिया येलो कलर के, पहला वाला जो डबल क्रोशिया है ये वाला, पहले वाला, इसको उठाना है लेकिन नीचे से करेंगे। क्रोशिया अब नीचे से आएगा ऊपर की तरफ और अब ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, और हम यहां पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए सिंगल क्रोशिया कैसे किया था, यहां पे 2 फंदे हो गए, अब धागे की हेल्प से 1 कर दूंगी। फिर से सिंगल क्रोशिया बताऊंगी। नेक्स्ट वाला जो येलो कलर का डबल क्रोशिया है उसमें हम डालेंगे, तो देखिए नीचे से किया क्रोशिया हुक में। देखिए पहले बात तो मैं एक बार आपको निकाल के दिखाती हूं, क्रोशिया हुक में हमने फंदा इंक्रीज नहीं किया है सिंगल क्रोशिये के लिए, क्रोशिया हुक में 1 ही फंदा है, तो आप देख सकते हैं क्रोशिया हुक में 1 फंदा है। अब मैं येलो कलर का जो डबल क्रोशिया है उसमें नीचे से गई, ऊपर नीचे गई, अब धागे को निकालूंगी, तो 2 फंदे हो गए, 2 का 1 कर दूंगी। तो ये बैक पोस्ट था। अब इसके बाद देखिए हमें 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहां पे फिर से ये 2 डबल क्रोशिये के बीच में, अब ये देखिए यहां पे गैप है काफी बड़ा, क्योंकि एक चेन का गैप है, ये 2 डबल क्रोशिये के बीच में हमने जो चेन ली थी उसका गैप है, इसी में हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। तो हमें 5 डबल क्रोशिया डालने हैं, तो क्रोशिया हुक में 2 फंदे किए, अब मैं 5 डबल क्रोशिया डालूंगी। तो ये पहला डबल क्रोशिया है, जल्दी जल्दी आपको करके दिखा रही हूं। गैप में करना है, कोई चेन में नहीं करना है। 2 हो गए हैं, 3 है, 4 है और ये 5 है। 5 होने के बाद हम धागे को क्रोशिया हुक को निकाल लेंगे। जो पहला डबल क्रोशिया था उसकी टॉप वाली चेन में मैं यहां पर इस तरह से, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूं उस तरीके से ज्वाइन करना है, एक चेन ले लूंगी ताकि ये पफ बन जाए। ये पफ बन गया। अब इसके बाद 3 चेन और लूंगी। अब देखिए नीचे जो डबल क्रोशियाज हैं ये 2 येलो कलर के, उसमें देखिए नीचे से मैं क्रोशिया डाल रही हूं, ऊपर से अब नीचे लेके जाऊंगी और सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। फिर से नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में भी यही काम करना है। अब इसके बाद देखिए 3 चेन लूंगी, फिर से गैप आ जाएगा, इसमें फिर से पफ स्टिच बनाऊंगी और सेम तरीके से अपना राउंड कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे राउंड जो है कंप्लीट कर दी है, ऑलमोस्ट वर्क के एंड में है। तो यहां पे देखिए ये जो 2 येलो कलर के डबल क्रोशिये थे इसमें मैंने बैक पोस्ट कर दिए हैं सिंगल क्रोशिये से। अब इसके बाद देखिए 3 चेन ले रही हूं, और ये जो पफ है पहले वाला उसके टॉप वाली चेन को उठा के मुझे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है, और अब मैं धागे को कट कर लूंगी और नॉट लगा दूंगी। तो देखिए धागे को कट कर रही हूं मैं, चेन लगा के नॉट लगा दी है, तो आप देख सकते हैं ये वर्क जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पफ स्टिच मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूं मेरे कितने आए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 पफ स्टिच हैं। अब इसमें आगे हम वर्क करेंगे।
अब नेक्स्ट राउंड जो है हम पिंक कलर की ऊन से करेंगे, तो यहां से हम अपना वर्क जो है स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पिंक कलर के धागे से हमें वर्क कहां पे करना है, तो देखिए पफ स्टिच जो बनाए थे इनके लेफ्ट साइड में भी ये हमने तीन तीन चेन का वर्क किया था और राइट साइड में भी तीन तीन चेन का वर्क किया था। अगर आप पीछे से देखेंगे तो देखिए तीन चेन का यहाँ पे काम है, तीन चेन का काम यहाँ पे है। हर पफ स्टिच में ये ऐसे ही है, तीन चेन का यहाँ पे काम है, तीन चेन का यहाँ पे काम है। तो इन्हीं में अब हमें काम करना है, तो यहीं से हम काम अपना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे तीन चेन वाला जो वर्क है ये वाला उठा रही हूं और यहाँ पे पिंक कलर का धागा जो है ज्वाइन कर लूंगी। एक चेन लेके मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। अब मुझे देखिए नीचे जो येलो कलर के डबल क्रोशियाज हैं, ये दोनों जो येलो कलर के डबल क्रोशियाज हैं इनमें काम करना है। तो ट्रिपल क्रोशियाज बनाने हैं, तो कैसे करेंगे, क्रोशियो में एक फंदा है, दो फंदे और बढ़ा लूंगी, तो टोटल तीन फंदे हो गए हैं। अब देखिए फ्रंट पोस्ट बनाना है मुझे, तो ऊपर से डबल क्रोशिया की कोई चेन नहीं उठा रही हूं, ये जो डबल क्रोशिया है इसको ऊपर से नीचे लेके गई और नीचे से ऊपर लेके आई, पूरे डबल क्रोशिया को उठाया है, धागे को निकालूंगी। हाथ को लूज रखिएगा बिल्कुल। अब हमें इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है पहले वाला, तो कैसे करेंगे, शुरू के दो फंदों का एक कर लूंगी, फिर से दो फंदों का एक कर लूंगी, धागा लूज रखिएगा। अब ये दो फंदे जो है एज इट इज रख लूंगी, पूरा कंप्लीट नहीं करना है ट्रिपल क्रोशिया हमें। अब इसके बाद फिर से दो फंदे और बढ़ा लूंगी। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला येलो कलर का डबल क्रोशिया है इसको भी यहां पे उठा के फ्रंट क्रोस करना है, तो यहां पे देखिए क्रोशिया हुक डाल के धागे को निकाला, शुरू के दो फंदों का एक कर दूंगी, फिर से दो फंदों का एक कर दूंगी। अब बचे हुए तीन फंदों का मैं एक साथ एक कर दूंगी, तो ये वाला कंप्लीट ट्रिपल क्रोशिया डाला है। तो फाइनली मैंने क्या किया, पहले इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया और फिर कंप्लीट ट्रिपल क्रोशिया डाल दिया। अब आगे हमें वर्क कहां करना है, देखिए पफ स्टिच का ये जो तीन चेन का हमने निकाला हुआ है जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया यहीं पे वर्क करना है, तो यहां पे सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया एक बार फिर से बता देती हूँ, क्रोशिया हुक में एक ही फंदा है। अब हम क्रोशिया हुक डालेंगे यहां पे, कोई चेन में वर्क नहीं करना है, सीधा हमने जो गैप है लूप बन जाता है उसमें किया, दो फंदे हो गए, दो का एक कर देंगे, तो ये होता है सिंगल क्रोशिया। अब इसी गैप में हमें हाफ डबल क्रोशिया डालना है। हाफ डबल क्रोशिया कैसे डालते हैं, क्रोशियो में एक फंदा है, दो फंदे किए, उस गैप में क्रोशियो डाला, धागे को निकाला, तीन फंदे हो गए, तीन का डायरेक्टली एक कर दूंगी, तो ये हाफ डबल क्रोशिया होता है। सेम गैप में हमें डबल क्रोशिया भी डालना है, तो क्रोशियो में दो फंदे किए इस तरह से, अब ये तीन फंदे हो गए, तीन का दो, दो का एक, तो ये डबल क्रोशिया। तो इस गैप में हमने सिंगल क्रोशिया डाला, हाफ डबल क्रोशिया डाला और डबल क्रोशिया डाला। अब देखिए जो पफ स्टिच है इसका जो टॉप है, अब देखिए जो पफ स्टिच का टॉप है, तो मैं एक बार फिर से आपको सही से पफ स्टिच सीधा करके दिखाती हूं। इस तरीके से हमारा पफ स्टिच है, इसको हम थोड़ा सा मोड़ेंगे दोनों तरफ से। ये जो तीन तीन चेनों का लेयर है, ये जो तीन चेन का लेयर है इनके ऊपर वाले पफ चेन में करना है। बेसिकली हमें कौन सी चेन उठानी है यहाँ पे, जहां पे हम पफ स्टिच को ज्वाइन करते हैं, तो हम एक चेन लेके इसको ज्वाइन करते हैं पफ स्टिच को, वही वही वाली टॉप चेन हमें पफ स्टिच की उठानी है। और यहां पे हमें सॉरी मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया करना था, फंदा बढ़ाना भूल गई हूं, फंदा बढ़ा लूंगी पहले और इसके अंदर डबल क्रोशिया कर दूंगी, तीन का दो, दो का एक, तो इस तरह से डबल क्रोशिया कर दिया है। अब वो तीन चेन वाला वर्क उठाऊंगी, यहां पे अब मुझे करना है रिवर्स चलना है, तो पहले डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया, जैसे पहले वाली तीन चेन में किया था, तो बस रिवर्स चलना है। तो डबल क्रोशिया डाल रही हूं, क्रोशियो में दो फंदे किए, तीन फंदों का दो, दो का एक, अब हाफ डबल क्रोशिया, तीनों का डायरेक्ट एक कर दूंगी। सिंगल क्रोशिया के लिए हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सीधा उस गैप में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से इसमें काम कर दिया है। तो यहां पे अब नीचे देखिए येलो कलर का फिर से काम आएगा, येलो कलर के जो दो हाफ दो डबल क्रोशिया है उसमें फिर से हम करेंगे फ्रंट पोस्ट बनाने हैं हमें। तो पहले हाफ ट्रिपल क्रोशिया के लिए दो फंदे बढ़ाऊंगी, सेम वर्क चलेगा। तो देखिए फ्रंट पोस्ट कर रही हूं, तो डबल क्रोशिया पूरे को उठा लिया है, अब ये चार फंदे हो गए, चार का तीन, फिर से कर रही हूं, दो फंदे बढ़ाए, चार फंदे हो गए हैं, शुरू के दो फंदों का एक कर लूंगी, शुरू फिर से दो फंदों का एक कर लूंगी और इनकम्प्लीट छोड़ दूंगी। अब इसके बाद दो फंदे और बढ़ा लूंगी, अब नेक्स्ट वाले में भी ट्रिपल क्रोशिया करना है,
अब यहां पे शुरू के दो फंदों का एक, फिर से दो फंदों का एक, और तीन फंदे बच गए, इनको एक कर दूंगी। तो ये वाला ट्रिपल क्रोशिया जो है कंप्लीट हो गया है। अब फिर से देखिए, जो पफ के पहले तीन चेन का काम है इसको उठा लूंगी, इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से करना है, सेम तरीके से हम काम कर रहे हैं। अब पफ स्टिच को उठाऊंगी, जो उसकी टॉप वाली चेन है उसमें डबल क्रोशिया कर दूंगी। अब इसमें काम करने के बाद इसके आगे फिर से तीन चेन का काम है, इसमें रिवर्स चलूंगी, पहले डबल क्रोशिया फिर हाफ डबल क्रोशिया, और हाथ को लूज रखिएगा, और उसके बाद सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से आगे का वर्क करेंगे, येलो कलर वाले में फिर ट्रिपल क्रोशिया डालेंगे, और इसी तरह से अपना ये राउंड जो है कंप्लीट करूंगी। आपको एक बार वर्क दिखा देती हूं कि देखिए पफ की इस तरह से बॉर्डरिंग होती जाएगी और ये काफी ही प्यारी लगेगी। ये पूरा काम करके आपको दिखाती हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, वर्क के एंड पे आ गई हूं, और ये जो इस पफ का लेफ्ट वाला साइड है, इनकी तीन चेन में मैंने, मतलब तीन चेन वाले में मैंने सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया डाल दिया है। अब पफ में काम करना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि पफ की टॉप चेन में भी कर सकते हैं, और यहां पे देखिए दो चेन, ये जो दो हम तीन चेन का जो ये बना रखे हैं लूप, उसको दोनों को, दोनों तरफ के, इस तरफ वाले को भी, लेफ्ट साइड वाले को भी और राइट साइड वाले को भी उठा के और सीधा उसमें भी डबल क्रोशिया डाल सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको डाल के दिखा रही हूं। क्रोशियों में दो फंदे किए, यहां पे दोनों लूप के इस तरफ से गई और दूसरी तरफ से निकाला क्रोशियों को और धागे को निकालूंगी और डबल क्रोशिया कर लूंगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, मैंने करके दिखा दिए हैं। अब ये जो लेफ्ट वाली तीन चेन है इनको हम पकड़ेंगे और इसमें भी हम काम करेंगे। तो यहां पे पहले डबल क्रोशिया डालना है, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया डलेगा, उसके बाद सिंगल क्रोशिया डलेगा, और यहीं से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था। और यहां पे मैं बस स्लिप स्टिच से जो स्टार्ट किया था वर्क, वहां पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी, धागे को कट कर दूंगी। तो इस तरह से एक चेन लेके नोट लगा दी। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहीं पे अपना वर्क छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको आगे का वर्क बताती हूं, आप चाहें तो वो करें, वो बिल्कुल ऑप्शनल होगा। यहां पे भी ये ड्रेस जो है इतनी भी काफी अच्छी लगती है। अब फ्रेंड्स देखिए, हम व्हाइट कलर के धागे से काम करेंगे। तो मैंने यहां पे व्हाइट कलर का धागा ले लिया है। अब देखिए काम कैसे करना है। यहां पे जो हमने पिंक कलर के ट्रिपल क्रोशियाज बनाए हुए हैं, नीचे से मैं क्रोशिया हुक डालूंगी और दोनों ट्रिपल क्रोशिये को बाईपास करते हुए यहां पे नीचे से निकाल दूंगी और यहां पे धागा जो है ज्वाइन करूंगी। लूज हैंड से वर्क करना है। एक चेन लेके धागे को ज्वाइन कर दिया है, अब दो चेन और लूंगी। अब इसके बाद देखिए पफ स्टिच में जाऊंगी, पफ स्टिच में भी नीचे से इस तरह से डालूंगी और ऊपर से नीचे अब इस तरह से आगे की तरफ से निकाल दूंगी और यहां पे भी सिंगल क्रोशिये से इसको ज्वाइन कर दूंगी। फिर से दो चेन लूंगी। अब देखिए दो चेन लेने के बाद फिर से जो ट्रिपल क्रोशिया वाला है इसको नीचे से उठाया और अब ऊपर से लेके जाऊंगी और यहां पे सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। फिर से दो चेन लूंगी। अब फिर से पफ स्टिच को उठाऊंगी इस तरह से और यहां पे सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तो इसी तरह से पूरा राउंड कर कंप्लीट करूंगी। लेकिन पीछे देखिए, बैक साइड में आपको दिखाती हूं उल्टा करके ड्रेस को, कि यहां पे देखिए व्हाइट कलर की लाइन बनती जाएंगी ये, और ये पूरे घेरे में बन जाएंगी। तो यही हमें चाहिए और ये काम करके मैं आपको दिखाती हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट है और यहां पे देखिए पूरा जो है इस तरह से लूप बन गए हैं, आप देख सकते हैं। अब वर्क को हमें बस एंड करना है। दो चेन ले ली है मैंने। अब लास्ट में जो पहला ये लूप था इसके अंदर ही डायरेक्ट मैं सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर दूंगी। आप चाहे तो स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके भी आ सकते हैं, बट आगे मुझे सिंगल क्रोशिया बनाना था, यहीं से काम स्टार्ट करना है, तो मैंने सिंगल क्रोशिया से इसको लूप के अंदर आ गई हूं ज्वाइन करके। अब मैं यहां पे
सिंगल क्रोशिया बना चुकी हूँ, तीन डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस लूप के अंदर, इस लूप को पकड़ूंगी दो चेन वाली को, और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊंगी। लूज हैंड से बनाइएगा, लंबे डबल क्रोशिया बनाइएगा ताकि आपका डिजाइन अच्छा दिखे। तीन डबल क्रोशिया बना लिए हैं, अब दो चेन लूंगी। अब जो नेक्स्ट वाला लूप है दो चेन का, इसको पकड़ूंगी और इसमें भी तीन डबल क्रोशिया डालूंगी। तो बेसिकली पहले लूप में मैंने डाला एक सिंगल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चेन ली और नेक्स्ट लूप में डाले तीन डबल क्रोशिया, और अब एक सिंगल क्रोशिया से इसको नीचे ज्वाइन कर दूंगी। अब इसके बाद देखिए यहां पे इस वाले गैप में हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट गैप में हम जाएंगे सिंगल क्रोशिया से, दो चेन का जो गैप है इसमें जाएंगे हम। अब यहां पे फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो सिंगल क्रोशिया तीन डबल क्रोशिया बना रहे हैं, सेम वर्क करेंगे। अब हम लंबे लंबे डबल क्रोशिया लीजिएगा, तीन डबल क्रोशिया हो गए, दो चेन लेंगे। अब नेक्स्ट लूप में चले जाएंगे, इसके अंदर तीन डबल क्रोशिया लेंगे, नीचे सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट लूप में जाएंगे सिंगल क्रोशिया से और फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम वर्क करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने राउंड जो है कंप्लीट कर दिया है। लास्ट वाले मैंने गैप में तीन डबल क्रोशिया और एक चेन जो है एक सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट किया है। अब देखिए क्या करना है, मुझे येलो कलर का धागा हाथ में ले लेना है। अब यहां पे जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ है नेक्स्ट लूप में, मैंने देखिए सिंगल क्रोशिया स्टार्टिंग में किया था और तीन डबल क्रोशिया, तो सिंगल क्रोशिया में मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी और ये धागे को ऐड करूंगी। ये धागा देखिए इस तरह से ले लूंगी और यहां पे सिंगल क्रोशिया कर दूंगी, ये दो फंदों का एक करूंगी लेकिन धागे की हेल्प से। तो यहां पे जुड़ भी गया है येलो कलर का धागा और सिंगल क्रोशिया भी हो गया है। अब आगे देखिए, हमने येलो कलर के तीन डबल क्रोशिया किए थे, उसके ऊपर तीन डबल क्रोशिया आएंगे, तीन चेन में तीन डबल क्रोशिया आएंगे, एक हो गया है, ये दूसरा है और अब ये तीसरी चेन में तीसरा डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब ये देखिए दो चेन का गैप आएगा, इसमें हमें काम करना है, तो इसमें हमें क्या काम करना है, दो डबल क्रोशिए एक पल दो डबल क्रोशिया डालना है। तो देखिए पहला डबल क्रोशिया डाल रही हूं, इसके बाद इसी गैप में चेन में नहीं करना है, ये दूसरा डबल क्रोशिया डाल दिया। पल बनाने के लिए देखिए तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। अब देखिए जो डबल क्रोशिए के ऊपर एकदम टॉप पे डबल क्रोशिए के टॉप पे यहां पे देखिए दो फंदे मैं इस तरह से उठाऊंगी और अब मैं यहां पे धागा निकालूंगी और सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दूंगी, तो ये पर्ल बन जाता है। अब इसी गैप में फिर से दो डबल क्रोशिया और कर देंगे। तो इस गैप में हमने क्या किया है, दो डबल क्रोशिया एक पर्ल दो डबल क्रोशिया बना दिया है। अब फ्रेंड्स, नीचे व्हाइट कलर के तीन डबल क्रोशिया है, उनके ऊपर तीन डबल क्रोशिया हम येलो कलर से बना देंगे। तो देखिए चेन में करेंगे, यहां पे हम पहली चेन में डबल क्रोशिया बना रही हूं, अब डबल क्रोशिया के ऊपर सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर सेकंड डबल क्रोशिया बना रही हूं, थर्ड डबल क्रोशिया के ऊपर थर्ड डबल क्रोशिया बना रही हूं। अब देखिए सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, तो अब सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना रही हूं। अगला भी हमारा सिंगल क्रोशिया की चेन है, उसमें भी सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट वाले हमारे तीन डबल क्रोशिया आ जाएंगे, उनमें तीनों में डबल क्रोशिया बना दूंगी। तो डबल क्रोशिया की चेन पे डबल क्रोशिया बना रही हूं, सिंगल क्रोशिया की चेन पे सिंगल क्रोशिया बना रही हूं। तो ये तीन डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब फिर से दो चेन वाला गैप आ जाएगा, उसमें दो डबल क्रोशिया एक पर्ल दो डबल क्रोशिया। फिर से पर्ल आपको बता देती हूँ, यहां देखिए मैंने अंगूठा भी रख लिया डबल क्रोशिया के ऊपर और अब तीन चेन ले रही हूं। अब देखिए जहां अंगूठा रखा हुआ है डबल क्रोशिया के टॉप पे, वहां पे दो फंदे उठ जाएंगे, ये दोनों फंदे उठाए। अब यहां पे मैं सिंगल क्रोशिया कर दूंगी, अब फिर से दो डबल क्रोशिया बना दूंगी।
अब नीचे व्हाइट कलर के तीन डबल क्रोशिया है, उनके ऊपर तीन डबल, उस तीनों चेन में तीन डबल क्रोशिया बना दूंगी। तो काफी इजी है ये। अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, उसकी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इससे भी नेक्स्ट जो है अगले लूप का सिंगल क्रोशिया, उसमें भी सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए मैंने पूरा राउंड सेम तरीके से कंप्लीट कर लिया है, बस इसको ज्वाइन करना बाकी रह गया है। तो जहां से हमने येलो कलर ज्वाइन किया था उसी में मैं अब स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करके, उसी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। और अब मैं धागे को कट करूंगी। तो देखिए धागे को कट कर रही हूं, एक चेन लेके नोट लगा दूंगी। तो ये वाली ड्रेस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस फिनिशिंग रह गई है। और चोली की बॉर्डरिंग यहाँ पे मैं थोड़ी सी अलग करूंगी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए पहले मैं पिंक कलर का धागा ले लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने हाथ में पिंक कलर का धागा ले लिया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले 8 चेन बनाऊंगी, 8 या 10 चेन। साइड का धागा बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ना है या लास्ट में हम कट कर लेंगे अगर ज्यादा छूटेगा तो। तो ये जो धागा बचता है हमारा, ये वाला हमें बिल्कुल कम लेना होगा। पर पहले मैं 8 या 10 चेन ले लूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 चेन ले ली है। अगर आपको इससे लंबा लेना हो तो आप ले लीजिएगा। अभी आपको पता चल जाएगा ये क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे ये बांधने के लिए चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमने 10 चेन ले ली है। अब यहाँ पे जो चोली है, मैंने एक बार फिर से ड्रेस रख दी है, चोली की फ्रंट साइड ये वाली आएगी और पीछे वाली जो है ये वाली, यहां वाली ये बैक साइड में आएगी। तो अब हमें वर्क देखिए बैक साइड से स्टार्ट करना है। तो यहां पे चोली का जो फर्स्ट रो है उसकी साइड वाला एक कॉर्नर हम उठाएंगे और यहां पे ये धागा जो है हम जोड़ देंगे। तो सिंगल क्रोशिया कर देंगे, इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से धागा जोड़ दिया है। अब हर चेन में मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी। तो कॉलर की बेसिकली हम बॉर्डरिंग कर रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया करूंगी, हर चेन में मैं सिंगल क्रोशिया डाल के आपको दिखाती हूं। तो देखिए चोली की जो कॉलर है मैंने सिंगल क्रोशिया से उसकी बॉर्डरिंग कर दी है, पूरी सारी की सारी चेन्स की है। अब मुझे फिर से 10 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं धागे को कट कर दूंगी और एक नोट लगा दूंगी। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि ये हमारी फ्रंट साइड होगी, बैक साइड में हम चोली की इस तरह से पहनाने के बाद यहां पे नोट लगा देंगे। इसलिए हमने ये छोटी सी जो है डोरी बनाई है। आप चाहें तो ये बॉर्डरिंग जो है स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से ये आएगी ड्रेस और ये काफी ही सुंदर लग रही है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी फिनिशिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ड्रेस को डेकोरेट भी कर दिया है, फिनिशिंग कर दी और बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। यहाँ पे मैंने मिरर वर्क किया है और यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर के छोटे छोटे नग लगा दिए हैं। इसी तरह से देखिए चोली को भी डेकोरेट किया है, चोली का ये हमारा फ्रंट साइड है और इसको भी मैंने डेकोरेट कर दिया है मिरर और नग से। तो काफी ही सुंदर बनी है और बहुत ही ज्यादा प्यारी ड्रेस है, बहुत ही सिंपल है, इजी टू मेक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।